वेलकम बैक फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग टू द चैप्टर 7। लास्ट वीडियो में मैंने जेट बोट्स एक्सप्लोरर एंड बहुत सारे एनिमीज को हराया, तो अभी आज का वीडियो है ईटूस रिफ्लेक्शन एंड मोथ। दिस टू एनिमीज आर देयर। सो अभी भी मुझे पता चला ईटू से कि ईटू ही है जिसने प्रोटोटाइप दिया है शेरो को। सो ही इज द वन हु गेव शेरो द एस्केलेटर को। सो ईटू बेवकूफ है, उसने शेरो को प्रोटोटाइप दे दिया और सोचा कि वो अपने लोगों को बचा सकता है। बहुत बड़ी गलती की है इसने। तो अभी ईटू का रिफ्लेक्शन, ईटूज रिफ्लेक्शन से फाइट करना है। इसका रूल है शेरो प्रेजेंस। शेरो प्रेजेंस में इसका मतलब है कि जो एनिमी का शेरो है वो बहुत जल्दी रिजनरेट होगा। सो दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर टू फियर। ईटूज रिफ्लेक्शन, इसे लड़ने के लिए सबसे पहली बात आपको गेन द स्टेबिलिटी व्हाट यू नीड। ओह शिट, तो मैं इसके सांप के लपटों में आने से बच गया, लेकिन मैं इसके इरप्शन के लपटों में आ चुका हूँ। But there is no need to worry. First, you get the stability, whatever you need in this fight. Make it to the hard or normal, then fight. और यहाँ पे मेरा shadow सारा connect हो चुका है eruption and here again. तो enemy का जो shadow power है वो बहुत जल्दी regenerate हो जा रहा है, which is a little bit too worry if you are to play. But there is nothing to worry. Just attack in shadow form also, so that he cannot attack you. So यहाँ पे मैंने इसे हरा दिया है, round 1 complete। चलते हैं second round की ओर। ये E2 का mirror image है, E2's reflection। तो चल क्या रहा कहानी में अभी थोड़ा मेरे grasp के अंदर है। और मैंने था fight को fast कर दिया ताकि ये थोड़ा सा fight जल्दी खत्म हो, because मैंने इसको बहुत लंबा खींचा था। ओहो, ये शैडो एनर्जी इसका पूरा होता है। ओह, यहाँ से स्टार्ट होता है असली कहानी। मैंने शैडो का भरपूर उपयोग किया और यहाँ पे ईटू खत्म हो गया। वैसे ये मूव मेरा कोई काम का नहीं था, वो मैं नहीं करता तो भी चलता। सो एनीवे, राउंड 2 इज कंप्लीट एंड ईटूज रिफ्लेक्शन इज डिफीटेड। अब बढ़ते कहानी की ओर। ओके, The void room must be clogged somewhere here. Only Bolo knows how to open it. All Bolos you have met here are his clones. He traveled in time a lot. Every jump creates a clone. It's a side effect. क्या बात कर रहा है? Bolo lives nearby in a stabilized part of the dome with moths. Oh ho! Bolo चाचा से मुलाकात होगी लगता है। It's been a while, Master Bolo. I brought Shadow Descendant with me. Please command your Jolits to stay away. Oh Bolo, oh my god, stop making a local attraction out of me too. It don't start this shadow descendant rubbish again. He does not exist. I do exist, okay? Shadow killed me and his descendant before the child was even born. Shadow mind was the only thing that left. Okay, now go away. तो इसके मौत को हराने के लिए मैं अपने void warden का उपयोग करूंगा, जो कि मुझे मिला है reward में खेलते खेलते। Your hits contaminate your opponent's shadow energy. Fully contaminated energy deals damage to the him and disappears. सो ये काफ़ी अच्छा बोनस है। कंटेमिनेटेड शैडो एनर्जी को कंटेमिनेट कर देगा और जैसे ही ओपोनेंट शैडो एनर्जी यूज़ करेगा तो जितना कंटेमिनेटेड एनर्जी होगा उससे डैमेज डील होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं हिट करूँगा, फिर कंटेमिनेट होगा शैडो एनर्जी, फिर डैमेज डील होगा। सो फॉरगेट द पास्ट। यहाँ पर मैं मौत से फाइट होगा, जो कि बोलो का शायद वॉचर ही है, समझते हैं, बोलो का वॉचमैन है। हाँ, बोलो का वॉचमैन, ये सबको देखता है जो बोलो से मिलने आता है। सो ही इज लिटिल पावरफुल बट नॉट पावरफुल देन माई वॉइड वार्डन। एंड फ्रेंड्स, यू कैन सी उसके शैडो एनर्जी में एक रेड रेड स्टार डॉट है, वही कंटेमिनेटेड एनर्जी। जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा, यस, एनर्जी खत्म हुआ, इसका हेल्थ खत्म। और यहाँ पे शेट, मेरे सांपों से बच गया ये, बट नहीं, अब यहाँ खत्म। मुझसे अच्छा बोलो ज़्यादा से मिलने से मुझे कहीं नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज द नेक्स्ट फाइट इज गोइंग टू बी ऑसम फाइट विथ मास्टर बोलो। उसको मैंने काफ़ी डेंजर तरीके से खेला है, तो मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा और मेरे लेजेंडरी फाइट को शो करूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हूएवर इज इन चैप्टर 7।
जस्ट स्टार्टेड चैप्टर 7। ओके, सो इसके शैडो एनर्जी को मैंने कंटेमिनेट कर दिया, हाफ ऑफ द कंटेमिनेटेड शैडो एनर्जी, ये खत्म हो जाएगा। यस, पावर ऑफ वॉइड वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, मोथ इज फिनिश्ड। अब चलते हैं सीधे बोलो चाचा से लड़ाई करने के लिए। खाली टाइम ट्रेवल वाले चाचा है बोलो चाचा। हेरोस मोटो इज फॉरगेट द पास्ट एंड बिहोल्ड द फ्यूचर। आई एम एंड आई विल मेक शैडो पे, यू मस्ट हेल्प, टेक अस टू द डोम। What would you make of it? Shadow was a tough guy and the accelerator made him more tougher. Bolo, we can change everything. My friend is here at last. The void room called him a shadow descendant. Also, it is called your dome redeemer. So what? I will prove that it was right about me. Take it easy. If your friend really has a shadow man in him, my temporal tricks won't stop him. So this is where deja vu starts. यहाँ पे बोलो चाचा मेरे को मुझे टेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बस एक झलक है फाइट का और इसका रियल फाइट नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। और बोलो को हराना आसान है बिकॉज इसको डायरेक्ट हिट नहीं किया जा सकता, विथ राइट टाइमिंग ही हिट किया जा सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर कोई हिट काम नहीं करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस टुडेज वीडियो।